लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए शूटिंग है, फोन ठेवा, चल। हाँ हाँ साहेब, हाँ हाँ आलोय, हाँ ठीक है। काय गावंडी झालं का नाही? हाँ उरा लवकर शिंदे, याचं झालं की गाडी पी एम लगे। हाँ हाँ साहेब। ए तुम्ही काय बघितलं काय? काय म्हातारे, काय बघितलं का? नाही बाबा, मी काय नाही बघितलं। त्या आज बसलेलं पोरग आहे, त्याला तेवढं दुपारी आज जाताना बघितलंय। ओ भाई सुदित आहे ना? उठ रे। तू का आलाय सिद्ध? वो इसने मुझे मैसेज करके बुलाया था साहब, इसलिए मैं आया। और यहां पर आया तो देखा कि ये ऑलरेडी मरी पड़ी है। तो फिर क्या किया? मैंने चिल्ला के लोगों को बुलाया, किसी को बोला भी मैंने कि एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन किसी ने बुलाया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद में पता चला कि मर गई। ये कौन है तेरी? दोस्त है साहब। दोस्त? हाँ। तो फिर इतना डर क्यों रहा है? मैं क्या डर रहा हूँ? उल्टो बोलतोस मार क्यों रहे साहब? मैंने क्या किया बताओ तो साहब, छोड़ो मुझे। मैंने क्या किया है? मुझे क्यों लेकर? अरे सांकी, क्यों मार खा रहा है फोकट का? मैंने क्या किया साहब? है ना, तो तेरे से झाट निकलेगा। कौन थी वो तेरी? कौन थी? आइटम थी? नहीं साहब। आइटम थी तेरे? हाँ नहीं साल थी, डाउ थी, आइटम थी तेरी? बोल। सब कुछ तो बोल दिया ना साहब, इतना मार रहे हो साहब। वो पंचनामे के टाइम भी आपने लिख कर रखा है ना साहब। अरे बाबा ती काम असत्यात, क्या उधर पूछते बैठू तेरे को क्यों मारा उसको? हाँ सांग सांग की आई गलिया सांग की। साहब आई शपथ साहब, माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने हाथ भी नहीं लगाया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। काय हरवाड़े, काय सांगितलं का नाही? काय नाही तेच सांगाले, मैंने कुछ नहीं किया। तुम जावा, एक ग्लास पाणी घेऊन या।
देख, ये मुझे ऐसे ही आता है, और भी बहुत कुछ आता है। फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुन, मैं सिर्फ एक ही बार बोलता हूं और सामने वाले का सिर्फ एक ही बार सुनता हूं। अगर सामने वाला झूठ निकला तो बाद में कोर्ट में बोलने के लिए मुंह में जबान भी नहीं रहती। ये जो पंचनामा, तेरी जबानी, ये सब कागज है ना, सरकारी कागज है, सरकारी काम के लिए। मेरा काम अलग है। बता। साहब, ये 4-5 साल पुरानी बात है। मैं 12वीं की एग्जाम दे रहा था। मेरा लास्ट का पेपर SM कॉलेज में हुआ था। वहाँ पे मेरे आगे वाला एक बेंच छोड़कर साइड वाले बेंच पर श्वेता बैठी थी। फिर हम फोन पर बात करने लगे। दिन ब दिन हमारी बातें बढ़ती गई। उसने उसके घर के बारे में, मैंने मेरे घर के बारे में सब कुछ बताया। हम अच्छे दोस्त बने थे सर, लेकिन कभी एक दूसरे को मिले नहीं थे। एक दिन वो मुझे मिलने मेरे काम की जगह आ गई। हेलो, हाँ बोलना। हाँ, किधर है तू? अरे इधर क्यों आई? मेरा हुलिया ठीक नहीं है बस। हाँ ठीक है, रुक उधर, आता हूँ। उधर ही रुक। हाँ भाई, आता हूँ एक मिनट में। इतनी दूर क्यों आई हो मिलने के लिए? दूर कहाँ, इधर पास में ही है घर मेरा। अच्छा, तो रोज आ जा। हाँ आती हूँ ना, उसमें क्या है। हाँ? और आकर क्या करेगी? देखूंगी तुझे, चली जाऊंगी।
अच्छा चल जाता हूँ मैं, मालिक ने देखा तो बहुत चिल्लाएगा। कल छुट्टी लेता हूँ, अमराई में मिलेंगे सुबह 11 बजे, चलेगा? चल फिर बाय। बाय। बोल ना कुछ। क्या बोलूं? कुछ भी बोल। अरे मेरे को ऐसा कुछ बोलने को नहीं आता है। तो फिर चलते हैं। वो मम्मी को आधा घंटा ही बोला था, अभी 1.5 घंटा हो गया तो। हाँ चलते हैं ना। घर जाकर खाने के बाद मैसेज करूँ तो चलेगा? उसी दिन मैं ये बात बताने महेश के पास गया। महेश मेरा बचपन का दोस्त है सर, मेरे साथ जो कुछ भी होता है मैं उसके साथ शेयर करता हूँ। तेरे को बोलता हूँ भाई, लड़की 61% चलो ये लिख के ले। अरे लेकिन अभी इतना अच्छा बोलती है भाई, रहने दे क्या है। अरे अच्छा बात करने का सवाल नहीं है, उसने तुझे नंबर खुद दिया, मिलने भी खुद आई, इसके वजह से बोल रहा हूँ। अरे इसका मतलब उसको अच्छा लगा होगा ना मैं। अरव्या तो और अच्छा, साल भर से मुंह देखा है क्या आईने में? तेरे जैसे रोज के 10 लौंडे घुमाते होगी वो, और तू उसके साथ रिश्ता बनाने जा रहा है। मया तू उससे मिला है? मिलने के पहले तीर मत मार भाई, उड़ते हुए पंछी की भी गिनता हूँ मैं। अच्छी बात बता रहा हूँ, पकड़ का एडवाइस दे रहा हूँ, लेना है तो ले वरना छोड़ दे। लड़की कैसी? मैरिज मटेरियल होनी चाहिए। चलता हूँ। उसकी बातें इतनी चुभी कि मैंने श्वेता से बात करना धीरे धीरे कम कर दिया सर। उसके बाद पूरी तरह से बंद कर दिया सर। फिर यमे के बाद मुझे अस्मिता मिली। अभी सर 1 साल पहले हमने शादी की। सब कुछ ठीक चल रहा था सर, सब कुछ ठीक चल रहा था, वो श्वेता का मैसेज आया मुझे कि मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी, घर पर आ सकते हो क्या? कोई नहीं है घर पे। पहले तो सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसका मैसेज है क्या है, फिर बाद में पता चला सर आपने उसके घर की तलाशी ली है सर, उसका फोन भी चेक करो आप सर, उसमें मैसेज है। मैं ऐसे ही नहीं गया था सर, और जब मैं वहां पे गया तो वो ऑलरेडी मरी पड़ी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, क्या करूं। मैं बाहर गया सर, चिल्लाया, लोगों को बुलाया, उसकी माँ को बुलाओ, कोई तो मदद करो आओ, कोई नहीं आ रहा था सर। बाद में एक एक करके लोग इकट्ठा होते गए, उसी में से किसी ने आपको फोन किया सर,
आप आए और मुझे पकड़ लिया सर आपने। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैंने मैंने नहीं मारा उसको, मुझे उसे मारकर क्या मिलेगा सर? मेरी सिर्फ एक गलती हुई सर कि मैं वहां पर गया, मुझे नहीं जाना चाहिए, सॉरी। पूरी वाट लगी है सर, मेरी पूरी वाट लग गई। ओ साहेब ओ तेजी बायको आल्या, दोन मिनटे या लवकर। काय हरवाडे किती गडबड करायलाय? हॅलो हॅलो बीवी आई आहे तरी मिलना है? सब मिलना है। बोलिए सर, उसे छोड़ सकते हो क्या जमानत पे? अरे क्या बात कर रही हो आप, 6 घंटे भी नहीं हुए मर्डर होके और आप जमानत पे छोड़ने की बात कर रही हो? नहीं मतलब सर वो मतलब मुझे कुछ मालूम नहीं, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कल कोर्ट में हाजिर करेंगे उसको। और आप इतना लाड़ प्यार मत कीजिए अपने पति का, कांड करते घूमते हैं। ऐसा नहीं कर सकता हूँ सर। देखेंगे इन्वेस्टिगेशन चालू है, कल कोर्ट में हाजिर करेंगे तब मिल लेना, निकलिए आप। बीवी गुस्से से चली गई तेरी, मर्डर करके एक दिन में छूट निकाले तुम लोगों को। अभी खाना आएगा, खाके सो जाओ। और मेरी एक बात ध्यान से सुन, किसने मर्डर किया है, कौन कौन था तेरे साथ में उधर, या कोई भाग गया है, जो कुछ है सच बता देना, क्योंकि जब तक तुम सच नहीं कहोगे तुम्हारी मारते रहेंगे इधर हम, समझे? सर मैंने नहीं किया है सर, सर नहीं किया है मैंने। माय लॉर्ड, उस लड़की का खून जहां पे हुआ वहां पे पकड़ा है इसे, नाम अरविंद नामदेव बिरुडे। लड़की की डेड बॉडी जहां पे मिली वहां पे ये मौजूद था, और इसको अकेले को ही उस घर के अंदर जाते हुए वहां के लोगों ने देखा भी है। और तो और जब पुलिस मौका है वारदात पर पहुंची तब भी ये वहां पे मौजूद था। काय रे बाबा, काय म्हणणं आहे तुझं? फाइल रखी है मैडम। एक मिनट, मैं उनसे बात कर रही हूँ। हाँ बोल, काय म्हणणं आहे तुझं? मैम मैम, श्वेता ने मुझे मैसेज करके बुलाया था, इसीलिए मैं वहां पे गया था मैम। और जब मैं वहां पे गया तो श्वेता ऑलरेडी मरी पड़ी थी मैम। मैडम मैंने इनको कॉल करके बुलाया मैडम, और ये आकर मुझे ही पकड़ कर ले गए। इनको बोला भी मैम मैसेज चेक करने के लिए, वो श्वेता का मैसेज इन्होंने किया, लेकिन कुछ बात नहीं कर रहे मैम। फिंगरप्रिंट्स लिए हैं? जी मैम, फिंगरप्रिंट्स तो लिए हैं, लेकिन मौका है वारदात पर से जो चाकू बरामद हुआ है उस पर तो किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं है। और कितने दिन चाहिए आपको अपराधी ढूंढने के लिए? का नेहमी प्रमाणे असच उचलून आणायचं? मैडम सस्पेक्ट है लेकिन खूनी भी हो सकता है। ज्यादा मत बोलो, आपको कितने दिन चाहिए उतना बोलो। 10 दिन। 10 दिन? पूरी दुनिया की सैर करने का इरादा है क्या? 5 दिनों की मोहलत देती हूँ, 5 दिनों में पूरी की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं सब कुछ क्लियर चाहिए। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पहले ही आप किसी और आयोग को अपना केस हैंडओवर कर देना, समझ गए आप? आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है। विक्टिम के कोई रिश्तेदार हैं? यस मैम, विक्टिम की माँ है जो फल बेचने का कारोबार करती है, और हादसे के तुरंत 5 मिनट बाद ही वहां पे पहुंची थी। ठीक है, अगली तारीख 10 अक्टूबर।
खरखर सांगणार असं का नाही ते सांग. सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ सच बोल रहा है. सांग के दिया. अरे सांग. सच बोल रहा हूँ सर, मैंने अरे सांग. हाँ बोल. ओ भाई, ओ इस लड़के को पहचानती है क्या? हाँ साहब, पहचानती है. घर आकर खाकर पीकर जाता था, पर 3-4 साल हो गया उसको. बहन समान मानता था वो श्वेता को. बीच बीच में राखी भी बांधी थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकता साहब. वो ऐसा नहीं कर सकता साहब. मेरी लड़की चली गई साहब, मेरी लड़की चली गई. ए, जरा इकडे साईडला ये. अरविंद के बारे में कुछ पता है क्या? आपको बताता हूँ साहब, वो लड़का गांजा भी बेचता है, 200-300 रुपए की एक पूड़ी. लड़का लोग के साथ झगड़ा बिगड़ा भी बहुत करता है. रात को 1:30-2 बजे तक हमारी दुकान की सीढ़ी पे बैठ के पबजी खेलते, मावा खाते बैठता. सगे पायरे लाल कर उनटकते हो. उसको यहाँ आके 5-6 साल हो गया. पहले कहाँ रहता था कुछ मालूम नहीं. उसके माँ बाप के बारे में पूछो तो बोलता है वो बचपन में ही गुजर गया. 1 साल पहले उसने अपने कॉलेज के किसी लड़की के साथ भाग की शादी कर ली थी, और कुछ नहीं. और हाँ, लड़की को उस छप्पर वाले घर में रखा है. उसकी माँ आती है कभी कभी कार लेके, तो उसको भी गालियाँ देता है, और हाइट मतलब उसके कार को लात मारता है. वो लड़का कुछ ठीक नहीं है सर. ठीक है, और कुछ पता है क्या उसके बारे में? बाकी कुछ नहीं सर, इतना ही. ठीक है, जा तू. सब मारो मत, सब मारो मत, सब मारो मत, सब मारो मत, सब मेरे से मत करो. ए साले, मरने का है क्या तेरे को? मरने का है क्या? बता 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 बता. ये देख, दारू पीने का है तेरे को? दारू पीने का है? हेरवाड़े जाओ, दारू घूने, दारू घूने. इसको मार के मुझे जेल नहीं जाने का. ये देख दारू पी, लेकिन मेरे को बता सच क्या है ना, ये बता मेरे को. मैं क्या रे? देख श्वेता, ये ए सागर, आना. चल. ये सागर है, मेरा दोस्त है. यार बोलो ना कोई, तो मैं ही बोल रही हूँ बस. इसका नाम क्या है?
महेश तेरा बेस्ट फ्रेंड है क्या? ए अरविंद, तू बोल ना सागर से। अरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, हर रोज मिलते हैं इधर उधर। तू लोड मत ले, कूल। भाई तेरे को बोलता हूँ, लड़के ना एक्स्ट्रा टका चालू है लिख के ले। अरे लेकिन इतना अच्छा बोलती है वो, रहने दे अभी। अरे अच्छा बात करने का सवाल नहीं है, उसने तुझे नंबर खुद दिया। हाँ। तुझे मिलने भी खुद आई, इसके वजह से बोल रहा हूँ। अरे इसका मतलब उसको अच्छा लगा होगा मैं। क्या बात कर रहा है यार, साल भर से अपना मुंह देखा कि तूने आईने में। तेरे जैसे रोज के 10 लोटे घुमाते होगी वो, और तू उसके साथ रिश्ता बनाने जा रहा है। देख मेरी बात मान, आगे नौकरी लगने के बाद ना अच्छी बंदी मिल जाएगी तुझे, ठीक है? छोड़ दे, ये देख अरव्या, मैं तेरे ऊपर जाकर नहीं बोल रहा, वो जो लड़का लेकर आई थी ना उसके ऊपर जाकर बोल रहा। अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए आते वक्त कोई अपने दोस्त को लेकर आता है क्या? और ऊपर से बोलते कैसे 10 दोस्त है करके। चल ज़्यादा लोड मत ले, चलता हूँ। श्वेता, श्वेता। हाँ? सुनना यार, तुझे कुछ बताना था। बोल। अरविंद के बारे में कुछ बताना था। अरे तो बोल ना। अरविंद जो है वो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है, वो गांजा बेचने का काम करता है। गांजा मालूम है ना? हाँ। गांजा बेचने का काम करता है, और वो ड्राइडे के दिन ब्लैक से दारू भी बेचता है। वो जैसे दिखता है ना वैसा है नहीं, ठीक है? यही कुछ बातें तुमको बताना चाहता था बस। अच्छा लड़का नहीं है वो। अच्छा लो छोड़, बता तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? बस मैं और मम्मी। ओके, तुम्हारी 12वीं हो गई ना? एग्जाम दी है। अभी देखती हूँ आगे क्या करना है। ओके, तू क्या करता है रे? मेरा अभी साइंस क्लास्टर चालू है, उसके बाद सोच रहा हूँ मेडिकल का एडमिशन लूँ। मेडिकल? मेडिकल क्यों? क्यों, उधर लड़कियाँ अच्छी रहती है ना, इसलिए। तो तू लड़कियों के लिए मेडिकल जाएगा? वैसी बात नहीं है। अच्छा बता तुम्हारे को छोटी बहन है? अरे बोला ना, बस मैं और मम्मी। ओके, तुम्हारी छोटी बहन होती है ना तो मैं मेडिकल का एडमिशन ना लेता। तुम्हारी बहन जिधर पढ़ती है ना उधर एडमिशन लेता। हेलो, अरे कौन सी के लिए इसकी नंबर बता। हाँ छोड़, लगे लगे छोड़। हेलो। हाँ हाँ, आ गई तू? हाँ। चल बैठ। ये ले। मैं ये नहीं पीती। क्या बात कर रही यार, लड़कियों में चलता ही। ले तू पी ना, मैं बैठती हूँ इधर। ऐसा क्यों कर रही है, बियर ही तो है।
बोला ना नहीं चाहिए, हम बैठ के बातें करते हैं ना। हाँ अच्छा चल ठीक है, रुक मैं दो मिनट में आया। अच्छा तो ये ले कोल्ड ड्रिंक, ये तो पी सकती है ना। कोल्ड ड्रिंक पी सकती हूँ। ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए था, सॉरी। अरे ठीक है चलता है, उसमें क्या। अच्छा बता ना, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ? हाँ लेकिन लेकिन वे क्यों छोड़, बता ना क्यों अच्छा लगता हूँ मैं। देख सुन ना, अभी मैं चलती हूँ, अर्जेंटली थोड़ा काम है, तो बाद में आती हूँ। मैं छोड़ दूंगा, टेंशन मत ले, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। अच्छा तुझे बात बतानी है मुझे। क्या? तुम सच में मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नहीं नहीं छोड़ छोड़ छोड़। उसके बाद मैंने उससे बात करना छोड़ दिया सर, उसका फोन रिसीव करना बंद कर दिया। 4-5 साल मतलब अभी 4 दिन पहले उसका मैसेज आया और मैं गया सर। तेरा इंतजार कर रहा था मैं, मैंने ही बोला है तुझे इसके नंबर से मैसेज करके इसको गाली देने के लिए। ये दिखाने के लिए बुलाया मुझे? ए, गाली मत दे, ये जो तेरे आइटम में नहीं है, सुबह शाम तेरे नाम का जप करती रहती है। अरविंद ऐसा था, अरविंद वैसा था, तू ऐसा ही छे, तू अलग ही छे। मैं ऐसा ही छूं, छोड़ महेश, मैं ऐसा ही छूं और मैं ऐसा ही रहूंगा। अरविंद श्वेता क्या चल रही है, तेरे पति को मालूम है? एक मिनट, उसका हस्बैंड मतलब उसकी शादी कब हुई? उसकी शादी हो चुकी थी सर, उसकी माँ को ये शादी मंजूर नहीं थी। श्वेता ने खुद पसंद किया हुआ लड़का था वो, उसका नाम वाम कुछ मालूम नहीं है मेरे को सर। थैंक यू आने के लिए। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं तो श्वेता के लिए आया। हाँ बताया श्वेता ने आपके बारे में। लड़की फ्री है ना, तो बताया होगा शायद से। नहीं नहीं सब कुछ बताया आपके बारे में, फिर भी शुक्रगुजार हूँ आपका, मुझे इतनी अच्छी बंदी देने के लिए आप
समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, समझ रहा हूँ। ये हाथ छोड़ू क्या? दुख रहा है हाथ। हाथ ए, चल। तुझे बोलती हूँ, मुझे कुछ लड़का सही नहीं लग रहा है। मैं पूछती हूँ कुछ और वो बताता है कुछ। मुझे नहीं लगता श्वेता का और इसका ज्यादा टाइम चलेगा। उसकी जिद के कारण उसकी शादी करवा रही हूँ, नहीं तो घर पे बैठ के हाथ काट, ब्लेड मार, ये सब करती थी। इसके बाप ने तो मेरी चलने नहीं दी, तो सोचा करने देते हैं इसको इसके मन की। पर मन ही मन लग रहा है ये नहीं टिकेगा ज्यादा देर। अगर इसकी शादी टूट गई ना, तो मैं इसकी दूसरी शादी करवा दूंगी और गली में अभी से बोलने वाली हूँ कि गांव गई है। तू भी मत बोल किसी को। आगे बता। श्वेता क्या चल रही है? तेरे पति को मालूम है? नहीं। तू उसकी चिंता मत कर। इसको पति को समझ में आया ना, उसे मैं निपट लेता हूँ। अब इसको गाली दे और फूट ले ऐसे। मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, चल। इधर तुझे मुझे गाली देने नहीं बुलाया, इसको गाली देने बुलाया है। तू जितना बोला है उतना कर। तू क्या है ना, दिखा इसको। गद्दार। गद्दार किसको बोल रहा है तू? तेरे को बोल रहा हूँ। ये इसको पूछना है? ये तेरा आइटम, ये क्या है? ए, तुम दोनों निकलो मेरे घर से, चलो फुटो इधर से। क्यों? इसने तुझे दी हुई गाली है ना, आज मैं सुन के जाऊंगा। तू क्या मुंह देख रहा है? तू क्या मुंह देख रहा है? तू क्या मुंह देख रहा है? महेश, तू क्या मुंह देख रहा है? तू क्या मुंह देख रहा है? तू घर जा। क्या मुंह देख रहा है? तो घोड़ा लगा के जाऊंगा मैं। मेरे को घोड़ा लगा के जाऊंगा। मेरे को घोड़ा लगा के जाऊंगा। छोड़ इसको। अभी निकल जाऊं तेरे को मैं। क्यों जाऊं मैं? तू जा। मैं क्यों जाऊंगा? इसके मैं तू छोड़। तुझे भी देख लेता हूँ। आप लोग आ गए और पंचनामा हुआ। फिर हम लोग कैसे विश्वास करें? ये बात तो तू पहले भी बता सकता था। सर मुझे इस लफड़े में ही नहीं पड़ना था सर। एक तो मैं उस श्वेता के घर गया, वहां पे वो महेश ने वैसा किया। जब मैं वहां पे था तब आप लोग आ गए। मुझे श्वेता के घर में जाते वक्त लोगों ने देखा था। महेश तो पीछे से भी आया होगा ना शायद, मालूम नहीं सब। अब ये सब कुछ बोलकर मैं पहले भी छूट सकता था, लेकिन उसके बाद महेश मेरा क्या हाल करता सर? अभी भी वो फरार है, गांव में है या बाहर है मालूम नहीं है। मेरी पूरी तरह से वाट लगी है सर, फंस गया हूं मैं सर। ये जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ये सब सच है, इसकी गारंटी क्या? क्या गारंटी लेके बैठे हो आप सर? अभी मैंने आपको सच बोला ना, आप ढूंढो ना उसको सर। इसके अलावा कुछ नहीं सर, मेरी मां की कसम। साल
सर। नाइन्टी मिलेगी क्या सर? थोड़ी सी, थोड़ी। छोड़ दो इसको और खाना दे दो। अभी 12:30 बजे है, वारंट तैयार करो और सुबह वो महेश के घर जाओ। वापिस आके मुझे रिपोर्ट करो। कल 11 बजे इसे कोर्ट में हाजिर करना है। तारीख है कल, समझे? एक मिनट सर, वो पूरा नाम क्या है महेश का? महेश राजाराम पाटिल। साहब, पार्वती नगर में से महेश की माँ ने महेश लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई है। तुझे कैसे पता कि वो लापता है? मुझे क्या मालूम साहब, उसको ही जाके पूछना पड़ेगा। सर, सर मैंने बोला था ना आपको, आपको बोला था ना मैंने, उसी ने खून किया है सर। अब भाग गया, उसके घर वालों को कुछ मालूम नहीं है साहब। तो ये पहले बताना चाहिए था ना, वो मर्डर करके भाग गया है, अब क्या उसे पाताल से ढूंढेंगे क्या? लड़का कब से गायब है आपका? वन तिंगला इतने पाव हो गया ना वाह, ना ये अल्लाह कड़े उड़ कर दे वो खरे, यान ठाक दी ना ये नहीं हर गिरांगी लाव मत मनीक भरता ना। तो कौन अलग कन्नड़ है ते? हिंदी आती है क्या ना आपको? नहीं आती है ना साहब। हाँ तो फिर हिंदी में बताओ ना। साहब एक महीना हो गया मेरा लड़का घर पे आया ही नहीं है, और सब दोस्त लोगों को सबको पूछ के मैं देखा पौनी रोड़े का 10 दिन के 12 दिन के ज़्यादा बाहर रहता ही नहीं वो। और मेरी लड़की का स्कूल में वो सर लोग ने बताया जाके कंप्लेंट करो, वो साहिब लोग ढूंढ के देंगे, इसके लिए कल आई थी। हाँ ठीक है, इधर आया तो हमको बता देना। माय लॉर्ड, अब अरविंद ने एक नया बयान दिया है। इनके दोस्त महेश राजाराम पाटिल खून करके कहीं भाग गए हैं, ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने अभी अभी पुलिस को दिया है। कल 11 बजे महेश पाटिल की मां ने पार्वती नगर पुलिस थाने में महेश के गुमशुदा होने की एफआईआर दर्ज कराई है। और इसी बीच विक्टिम की पत्नी यानी मिसेस अस्मिता बिरुड़े, वो भी लगातार कोशिश कर रही है कि इनको जमानत मिले, लेकिन पुलिस अनदेखा कर रही है। अब आप ही बताइए, 5-10 दिनों के लिए क्या इनको जमानत मिलनी चाहिए? इसने बोला हुआ सस्पेक्ट फरार है, इसलिए छोड़ रहा हूं इसको, लेकिन एक ना एक दिन महेश मिल जाएगा और उसने गुनाह कबूल किया तो ये बच जाएगा। अगर महेश नहीं मिला तो ये सड़ेगा इधर ही। 10-15 दिन के लिए छोड़ रहा हूं, बाद में सीधा इधर डायरेक्ट हाजिरी देना, समझा क्या? हाँ सर। चलना अरविंद, अरविंद चलना। नहीं तुझा, मैं आता हूँ, थोड़ी देर अकेले बैठना है मुझे। चलना अरविंद, क्यों नौटंकी कर रहा है? तेरा सब कुछ पता है मुझे। मैं बोला ना जा, 10 मिनट में आता हूँ मैं, तुझा। अरविंद वो लोग देख लेंगे फिर से चिल्लाएंगे। तुझे जा बोला ना। जा। छाड़ूंगे वो 14 नंबर फाइल दे देना। हाँ दे दी सर। हेरवड़े? हाँ बैठो। वो अरविंद गया नहीं, अभी देखा इधर ही था।
हाँ बैठा है बाहर, अपने बीवी को भेजा है शायद आगे। उसके साथ कैसे जाएगा, नौटंकी कर रहा है साला, सिंपथी के लिए और कुछ नहीं। नजर रखो और महेश को भी ढूंढो जल्दी, लेकिन अरविंद को सामने रखकर। ठीक है। और जाते वक्त सिविल में जाना, सब कुछ बताना पड़ता है आपको, जाइए। हाँ ठीक है ठीक है। शाम के। हाँ सर। वो आगे का कुछ बताओ। हाँ साहब। नहीं नहीं मैं अभी उसके पीछे हूँ। हाँ लेकिन बात ऐसी है, वो श्वेता के मर्डर के टाइम वो भोसले के एरिया में लक्ष्मी नगर में वो अक्का का मर्डर हुआ था ना। हाँ वो अक्का अभी दिखी मेरे को। हाँ अरविंद भी है उसके साथ, उसको मिलने आया है अभी। क्या बात कर रहे हो, उसकी पेपर में न्यूज़ देखी ना हमने। नहीं मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा तो आप दारू पीकर ही काम करोगे क्या? क्या साहब मैं अभी दोपहर को दारू पी क्या? हाँ मतलब मैं। हाँ वही तुम। हाँ मालूम है कौन कैसा है। हाँ ठीक है रखो। हाँ, अभी, रखो अभी। ध्यान दो। क्या इज्जत रखी तूने हमारी? मम्मी बाहर खड़ी है, कहीं मुंह दिखाने के लिए जगह छोड़े तूने? बैठ यहाँ पे, रुक यहाँ पे बैठ। क्यों मैं बैठूँ, क्यों सुन किलो में तेरा? 10 मिनट में आता हूँ क्या? उस जाने की क्या जरूरत है तुझे? तुझे क्या लगा तुझे क्या लगा तूने लाए हुए उस आदमी की वजह से छूटा हूँ मैं? उसकी जमानत से छूटा हूँ मैं? अरे अक्का ने पैसे दिए थे उसे, अक्का की मेहरबानी से छुटाऊ मैं। तुझे क्या लगा, क्या क्या मालूम है तुझे? हाँ क्या मालूम है तुझे उसके बारे में? देख पिता, देख मैंने कुछ नहीं किया है यार, माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया है। अरे उस महेश ने श्वेता के फोन से मैसेज किया था मुझे, श्वेता को मैं भूल गया हूँ मालूम है ना तुझे? अभी अचानक से उसका मैसेज आया इसलिए मैं वहां गया। तो वहां पर गया तो वो महेश मेरे आंखों के सामने श्वेता को मारकर भाग गया था। उनका लफड़ा चालू था, मेरा नहीं। मुझे माफ कर, ये सब कुछ मालूम है तुझे, ये सब कुछ मालूम है तुझे, फिर भी तू ऐसा कर रही है यार। सॉरी रश्मिता, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों गया वहां? भगवान मैं क्यों गया वहां? अरविंद सिंह या क्या आपने अच्छा नहीं किया? माजी अपने ही लोग ऐसा बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं?
फिर बाहर जो लोग बोल रहे वो झूठ है क्या? और आपने तो साबित कर दिया, अस्मिता ने आपसे शादी करके सारी जिंदगी बर्बाद की है। अस्मिता, अब तेरा तू देख बाबा। मुझे मालूम है अस्मिता कि मैं कोर्ट में निर्दोष छूट जाऊंगा, लेकिन तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे गंदे धंधे किए हैं और करता आ रहा हूं, लेकिन किसके लिए किया मैंने अस्मिता? किसके लिए किया? हम दोनों के लिए किया ना, हम दोनों के लिए किया ना। ये जिंदगी जीने के लिए पैसा तो लगेगा ना अस्मिता। देख, तेरे मन में जो कुछ भी चल रहा है ना, चलने दे, लेकिन तू देख एक बात ध्यान में रख, मैं किसी का खून नहीं कर सकता यार, मुझ में उतनी ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मुझे तेरे इस बात में फंसना नहीं है अरविंद, बहुत सुन ली मैंने तेरी, ये सब है ना इसी का फल है, लेकिन अब नहीं होता मुझसे, नहीं होता मुझसे अब। बस तू कोर्ट में जब तक निर्दोष साबित नहीं होता ना, ये घर के आसपास भटकना भी मत। अगर तू आया ना इधर तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगी। ठीक ठीक है, मैं आता हूं। हाँ हेलो, हाँ राजे किधर हो आप? अरे आओ ना जल्दी, कितना टाइम पास करूँ अभी बीवी के साथ, आओ जल्दी आ जाओ। और सुनो, वो पीछे वाले रास्ते से आना, आगे आदमी खड़ा है। कैसे हो? मस्त हो ना? सुन राजे, एक बात बोल देता हूं, कोर्ट में ज्यादा बकबक करने का नहीं, जितना बोला है ना उतना ही बोलने का। श्वेता जब मरी उस टाइम संदेश आपके साथ दारू पी रहा था, बराबर? हाँ चलो बैठते हैं छूटने के बाद। चल जा रहा हूं मैं। अरे सर पे गिरा है क्या? क्यों, क्या हुआ? पुलिस तेरे पीछे है, पता नहीं तुझको? पता है, फिर उसमें क्या है? जा पानी ला। ड्रामा मालूम है ना? अभी फिर क्या मुहूर्त निकालेगी?
क्या जरूरत थी तुझे इल्जाम अपने माथे पे लेने की? बोल देता ना उसका नाम। नहीं मैं उसे ऐसा मत बोल, कुछ भी होने दे, लेकिन संदेश जी का नाम नहीं आना चाहिए। मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। लैशाना बनू नकोस, चल तेरे घर का देख तू। हाँ हाँ देखता हूँ मैं मेरे घर का, लेकिन तुझे बोल देता हूँ मैं, संदेश जी का नाम नहीं आना चाहिए किसी में। वो आदमी सही सलामत रहना चाहिए, बोल देता हूँ मैं। अरे तू मत मुझे सिखा, और मैं क्यों किसी को जाके बोलूंगी? हाँ और वापस इधर दिखना मत। हाँ, नहीं समझा क्या? हाँ, नहीं। और दिखा ना तो देख, जल्दी कर जल्दी। हाँ नहीं आऊंगा वापस, पर तुझे भी बोल देता हूँ मैं, तुझे भी बोल देता हूँ मैं, संदेश जी का नाम किसी में नहीं आना चाहिए, उसका नाम किसी को बोलना मत, नहीं तो बहुत बुरा होगा। देख मुझे वापस पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए इधर। देख सुन, मार मत जा रहा हूँ मैं, बहुत छानी है मालूम है मुझे। सुन देख मार मत गंगा, मैं जा रहा हूँ चुपचाप जा रहा हूँ, मालूम है मुझे। हेलो आयका साहब। सर बैठ। इसका क्या मैटर है सर? इसे क्यों पकड़ा है सर? श्वेता इससे प्यार करती थी। तेरे को जितना पूछा है ना उतना बोल। श्वेता का ये पति है सर। देख ये बताया उसने मुझे, उसके आगे का बोल। देखो आखिरी बार पूछ रहा हूं प्यार से, वरना ऐसी लाइफ लगाऊंगा 14 साल तक छूटने का सोचना भी नहीं। ये कौन है? मैं पहचानता नहीं इसको। तेरी शादी में दस्तखत करने के लिए तेरा बाप आया था उधर? कैसे लगा तो देखो अभी मैं। सर तेरवाड़े लाठी ला रहे। सर 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 मारो मत सर। सर मैं सर ये इसने खून किया है सर, इसने खून किया है। ये आदमी अच्छा है सर, लेकिन इसके हाथों से गलती हुई है सर, वो खून इसी ने किया है सर। क्या बोल रहे हो? कौन सा खून? क्या फसा रहे हो क्या मुझे? सर सर बोल बता। सब सब मैं खून किया, सब मैंने खून किया, लेकिन मैंने खून नहीं किया श्वेता का, मैंने खून किया नहीं श्वेता का। ए, सब कोर्ट में बता। चल सब 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 मैंने कुछ नहीं, सब मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सब सर सर सब। मैंने कुछ नहीं किया। चल जा रहा हूँ ना सब। अपराधी की दिमागी हालत ठीक नहीं, इसका कोई सबूत है आपके पास? माय लॉर्ड, जिस दिन ये वाक्या हुआ उस दिन संदेश के दोस्त कैलाश संदेश को दोपहर में श्वेता के घर छोड़ने के लिए गए थे, तो मैं कैलाश को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है।
आप कोर्ट को बताइए उस दिन आपने क्या देखा। मैडम उस दिन क्या हुआ, श्वेता अपने मायके गई थी आई के पास, पार्वती नगर है उधर, और हमने भी बोला बहुत पी रखी है, भाई तो सो जा घर को जाकर, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहा था और हमने उसे उठाया वहाँ से, और पार्वती नगर है उधर, उधर जाके श्वेता के घर के सामने छोड़ा। तो उसे मैंने श्वेता के घर के अंदर जाते हुए देखा और हम वहाँ से निकल गए। और कौन कौन था आपके साथ? कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब मैं सस्पेक्ट अरविंद बिरूटे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है, आप आइए इधर। नमस्ते। अब आप कोर्ट को बताइए उस दिन आपने क्या देखा। जज साहब, जब मैं श्वेता के घर पहुंचा ना, तभी ये मेरे आंखों के सामने श्वेता के पेट में चाकू भौंक रहा था। मैंने श्वेता को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहीं पे बैठा रहा। मैम बताइए, ये जो बोल रहे हैं सही है? नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने खून किया, श्वेता का खून नहीं किया मैं। अरे बाबा, आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया है या नहीं, सिर्फ इतना बताइए। मैंने खून किया, श्वेता का खून मैंने खून नहीं किया। कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ इतना बताइए आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया है या नहीं। श्वेता का खून नहीं किया, मैंने खून किया, श्वेता का खून नहीं किया। अदालत के सामने इस मुकदमे के सिलसिले में पेश हुए गवाह और तमाम सबूतों और रिकॉर्ड पर मौजूद गवाही ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुजरिम संदेश बाबूराव कोड़ी ने अपनी पत्नी श्वेता का कत्ल किया है। ये सरकार पक्ष ने साबित करने के बाद उसे कत्ल के जुर्म में दोषी करार देते हुए IPC धारा 302 के अनुसार मुजरिम संदेश को ये अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जिस जेल में मुजरिम सजा काटेगा वहां के जेलर को मुजरिम पर सरकारी खर्चे से दिमागी इलाज करने का आदेश ये अदालत देती है। झूठी गवाही देने के जुर्म में ये अदालत गवाह अरविंद को झूठी कसम खा के गवाही न देने की सलाह देती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या उस दिन बाद मिले नहीं मुझको? तार क्या करती, मैं तो मिलने आई थी, तूने ही हाथ डाला मेरे पे। क्या रे, तुम भी नया। उस हादसे के बाद मैं 2 दिन घर पे रही। तीसरे दिन गेहूं पिसने चक्की पे गई थी। थोड़ी देर बाद सामने एक लड़का दिखा मेरे को, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। अच्छा लगा मेरे को वो। मुझको लगा मैं ही उसको देख रही हूँ। थोड़ी देर बाद पता चला अपने बाइक के आईने में वो भी मुझको देख रहा था। आधे घंटे बाद मैं चली गई आटा लेके, मेरे पीछे पीछे वो भी आया। घर का पता भी ढूंढ लिया उसने। तुझको मालूम उस दिन के बाद 10 दिन तक हर रोज़ वो मेरे सामने आके फिरता था, हर रोज़ सुबह शाम। अब उस दौरान अरविंद के साथ तो बात करना बंद ही कर दिया था मैंने, तूने बताया था ना उसके बारे में सब।
एक दो बार आया था वो घर पे वैसे, पर उसको मालूम पड़ गया था मैं उससे बात नहीं करने वाली थी। मम्मी से मिलने आया करता था। मम्मी के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखा है उसने, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो उस दौरान पता नहीं क्यों मन करने लगा उस लड़के से एक बार मिल लेती हूँ। फिर उसी शाम मेरे घर के सामने दिखा वो मुझको, मैंने उसे बात करने के लिए बुला लिया बगीचे में। तुझे मालूम वो आते ही उसने मुझे शादी के लिए पूछा रे। अक्खी जिंदगी में सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए इधर उधर गली मोहल्ला बस घूमती रही, पर जिंदगी में उस दिन पहली बार से दिल में कुछ हुआ रे, धक 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 जैसा कुछ। फिर 4 दिन बाद हमने शादी कर ली। संदेश, संदेश। शादी के बाद पता चला रे बहुत बहुत कुछ छुपा के रखा था उसने मुझसे। कुछ तो भी गोलियां लेता था हर रोज सुबह शाम, पता नहीं किस चीज की गोलियां खाता था बहुत। अपने माँ से बहुत प्यार करता था। मैं अगर उसकी माँ को एक शब्द भी बोलूँ ना तो इतना मारता था मुझको। तुझको मालूम उसकी माँ का भी कुछ लफड़ा चल रहा था बाहर, उसको मालूम था ये, लेकिन उसको उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक बात पूछूं, ये शादी के बाद मर्दों का प्यार कम हो जाता है क्या? छोड़ आई मैं वो घर, मुझको नहीं रहना उधर। श्वेता मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, उस टाइम तुम समझ नहीं पाई, मैं तो तेरे सामने ही था लेकिन तुझे कभी नहीं दिखा, तुझे अरविंद दिखा, संदेश दिखा लेकिन मैं नहीं। हम माने कि मेरा प्यार जताने का तरीका गलत था लेकिन जो था वो सच्चा था रे। चुप, बस कर अभी भागना, रोक दे अब से भी। श्वेता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कसम से बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मान जाए मेरी बात, मान जाए मेरी बात। जाना है घर पे, मैं चलती हूँ।
हेलो, एक मिनट में तू मुझे तेरे घर के सामने चाहिए, आ जल्दी। ए चट्टी, क्या कह रहे भाई, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद दोस्त की याद आई है। क्या करने का, दोस्त हवा में उड़ रहा है, सोचा उसे नीचे उतारो। क्या बात कर रहे है भाई, तुझे किसने बताया कि मैं फार्मासिस्ट को परमानेंट हुआ करके? अरे अभी पास हुआ हूँ, इंटर्नशिप को भी जाना है अभी, उसके बाद नौकरी और वो सब। चल एक काम कर, चाबी दी। क्यों? चलना भाई, सुट्टा बिट्टा मारते, बहुत दिनों बाद मिला है। चल। हे, हाथ निकल। पागल है क्या? चल। बैठ। अबे धीरे चला, की गाड़ी समझाए क्या? अभी गैरेज से लाया हूँ। सिगरेट है क्या? ये ले भी। ये तूने सही नहीं किया भाई। मया ये ले कर भाई, मुझे लगा ही था तेरे बातों से। क्या क्या लगा, क्या लगा? अरे यार भरोसा कर, सुन मेरी बात। उसने खुद मुझे फेसबुक पे मैसेज करके बोला था और आज हम सुबह ही मिले थे। तो तू तो झट से गया ना? तो फिर जाऊं ने तो क्या करूं? ये देख रे, पहले तो अपना दिमाग ठंडा रखे और सुन मेरी बात। वो मुझे मिलने को आए थे, उसका कारण क्या है? वो बोल रही थी उसको तेरी याद आ रही। ये बोली? हाँ। वो बोल रही थी कि उसका पति पति है ना सनिकी है, ठीक है, उन दोनों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो यार वो मुझे मिलकर अपना थोड़ा मन हल्का कर रही थी और तू क्या मुझ पर चढ़? हाँ, आखिर तूने अपनी जात दिखाई दी ना। अरे जात पे मत जा। नहीं तो क्या? जात पे मत जा। क्या उखाड़ेगा तू मेरा? हाँ? क्या उखाड़ने वाला है? मेरे भाई सुन। हाँ बोल। सच कह रहा हूँ, भरोसा कर। हाँ। हमारे दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पीठ पीछे मेरी आइटम, तेरे पीठ पीछे तेरे बहन। मेरे रास्ते में आना, तुझे देख लूंगा, समझा? देखना मेरे को, अब मैं उसी के साथ रहूंगा। तू उसको लेके जा तेरे, हाँ, लेकिन मेरे सामने नहीं आने का। उसको लेके आएगा ना? छोड़ रे। किल्ली किधर है? किल्ली फेंक। क्या हुआ रे? हत्यार है रे। हत्यार बोले तो? क्या बोला? अरे क्या लाउड स्पीकर पे बताओ, कान पे से बैठा नहीं है। हाँ लेकिन काम के यहाँ क्यों लाता है भाई? अभी क्या है ना, अपने बहुत सारे दुश्मन है, साला कौन कब कहाँ ठोक देगा पता नहीं, समझा? इसलिए। वो भी सही है भाई,
सुनना बाबा। अरे वो मारती है तो मारती है, उसकी आई भी मुझे मारती है रे। तुझे कितनी बार बताने का है? तुझे जाके हैंडल करना नहीं आता तो हम लोग क्या करें? अरे बीवी है रे, ऐसे कैसे बात करने क्या तू? उसकी माँ तो तेरी बीवी नहीं है ना, फिर क्यों सुनता है उसकी? साला कितनी बार समझाया तुझे, थोड़ा संभल जा, थोड़ा रुक जा, लेकिन नहीं, लड़की दिखी नहीं, हंसी नहीं, पड़ गई पीछे, कर ली शादी। अब उग तो छोड़, अब ये सब सुनने सुनाने की बात ही नहीं रही, समझा? क्या ना सुन दिया, तुझे समझने वाली लड़की मिलनी चाहिए थी। जान दे बाबा। जान दे तो जान दे, वापस बोलना मत, आखिरी बार है ये। हेलो, अबे संदीप कहाँ है तू? हाँ वो खाने की छुट्टी हुई है रे, बोल ना भाई। कैसे बताऊँ तुझे, काम कर, कर जा बस। क्यों रे, क्या हुआ? अबे वो वही नहीं आई है किसी के साथ लॉज में, मुझे रूम नंबर पता है, तू आ जा जल्दी। क्या हुआ? हेलो, सामने देख। ये देखो संदीप जी, हम यापी के बारे में बात करने थे। काय को झगड़ा करते हो? अच्छे से रहो, यही समझना आया था मैं इसको, समझती नहीं है बात को। लेकिन अब कपड़े क्यों निकाल रहे हो? वो मैं वॉशरूम गया था। वॉशरूम जाने के लिए कपड़े निकालने जरूरी है क्या? हाँ गया था तो। लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? आ जा चल। अभी तो बोला ना आपको, इधर समझाने के लिए आया था मैं उसको, अभी इधर आने के बाद वही ऐसा करेगी तो मैं क्या करूँ? हम बाहर जाके बात करते हैं, चलो। एकदम माजे अबरू जाते हैं, हम बाहर जाके बात करते हैं, चलो। चल रुक, कपड़े तो पहने दे। चल कपड़े तो पहने दे। ठीक है रुक, पहले चल। अबे रखना, चल अबे रखना ए, चल चल अबे रुकना ए, चल किधर लेके जा रहे? चल क्या है ना संदीप जी, मैं उसको यही समझाने का आया था। काय को झगड़ा करते हो यार, क्रिकेट काय को करते हो बार बार? वो भी मेरे बात समझ गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगी करके बोल रही थी, ठीक है? लेकिन वो कुछ बता रहे थे कि आप उसको कुछ समझ के नहीं लेते करके। नहीं नहीं मैं समझ के लेता हूँ ना। समझ के लिया करो, एक तो आपकी लव मैरिज है, ठीक है? कैसा रहना चाहिए आपको? देखो समझो तो सही, जिंदगी बनती है, है? समझ रहे ना बात? क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे ही ये धंधे करती है तू?
इसके लिए घर से बाहर जाती है ना, इसके लिए तेरे को मेरे पे प्यार नहीं आता है। सुन, तेरे खोके को अभी जला के मार डाला मैं, ये बताने को कॉल किया। आइंदा मेरे सामने आने का नहीं, तू मेरे को जिधर दिखी ना दरिच काट डालेगा मैं तेरे को। क्यों आई है यहाँ? तू क्यों आई? ऐसे क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलेगी भी श्वेता, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, वो दोपहर को महेश को मिलने गई थी ना, तो पता नहीं उधर संदेश कहाँ से आ टपका, फिर उसने साथ में देख लिया हम दोनों को, ले गया उसको महेश को। मेरे को फ़ोन आया था उसका, बोल रहा था चला के मार दिया महेश को। अब महेश का हुआ क्या है मेरे को नहीं मालूम, पर फ़ोन पे तो वो वैसे ही बोल रहा था। छोड़ रहने दे। ए मम्मी, मिश्री किधर है? मम्मी मिश्री किधर है? ए मम्मी, मिश्री किधर है? तो मुंह से बोलना। अरे ये लड़की काम से गई है, वो तेरे दोस्त के साथ गई थी। किसके साथ? महेश के? हाँ, और उधर वो उसका संदेश भी आया था, लेकर गया उसको और बोल रहा है कि जला के मार डाला। किसको? महेश को? हाँ, अब तू ही बोल क्या करूं? और ये ऐसे मुंह उठा के आई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तेरे को बोला था मैंने, कुछ तो लफड़ा होगा, बोल रहा था उस दिन। खैर छोड़, श्वेता ने तो कुछ नहीं किया ना, जो होगा वो संदेश भुगतेगा, चल तू टेंशन मत ले। और सुन, उसको भी बोल मुंह बंद रखने के लिए, वरना जाएगी अंदर। चल रखता हूँ। हाँ। एक मिनट सुन, मुझे किए हुए कॉल की हिस्ट्री डिलीट कर। जैसे कि तू पोछा लगा के घर के सारे काम करके थक जाती है ना। दूसरी मम्मियों को देख, कितना लाड़ प्यार करती है अपनी बेटियों का, और एक तू है, इतना सा काम करती है और जैसे दिखाती है कि बाहर खोल के आई है। इतना सब समझता है तो करने का ना। हाँ हाँ, तूने तो मेरे पढ़ाई पे बहुत खर्चा डाला ना, तो तेरे काम करती बैठू इधर। ज्यादा जुबान मत चला, और जितना मुझसे होता है उतना सब किया है मैंने, और जिसको पढ़ाई की आग होती है ना वो खुद करता है। तेरे जैसे वो लड़के के साथ भाग के शादी नहीं करता। ए मम्मी, तेरे को ऊपर वाले ने छुपा दिया है तो कुछ भी बकेगी क्या? हाँ, और तू अपनी अपनी परवरिश देखना, क्या सिखाया तूने मेरे को? बोलना, क्या सिखाया तूने मेरे को? खुद का मर्द होते हुए भी हाँ तू दूसरे आदमी के साथ घूमती रही, तो मैं भी तो वैसी ही बनूंगी ना मम्मी।
खून तो मैं तेरा ही हूँ आखिर, हूँ ना? ए हट रे, और सुन, ए सुन ले, ये बार बार ये मैटर नहीं चाहिए मेरे को, नहीं तो ऐसे उठा के बाहर फेंक दूंगी दोबारा कभी बोला तो, फिर मैं भी देखती हूँ रोकता इधर मेरे को, हटा इधर से, चल लगी है। और क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कितने महीने हुए? पैसा कब देने वाला है मेरा? अरे देता हूँ ना, क्या 15,000 रुपए के लिए आवरू निकालेगा क्या मेरी? ए! ए! क्या कर रहा है? इधर 1 रुपया भी मेरे लिए ज्यादा है, मालूम है ना तुझे? देता हूँ बोला ना। तुझे क्या बोला था मैं? क्या बोला था मैं? मैं ब्याज से पैसे लेकर तेरे को उधार दिया था। क्या जुबेर, मालूम है ना प्रॉब्लम है क्या? क्या रे, क्या प्रॉब्लम है क्या? तेरा क्या मैटर है? क्या क्या कर रही है? क्या मैटर है तेरा? मेरा पैसा देने वाला है 3 महीने पहले का 15,000, ब्याज पकड़ के 20,000 देने वाला ही है। तू देने वाला है? नहीं नहीं, मैं क्यों दूं? चल चल, इधर पैसे के लिए कोई किसी का नहीं होता। तू क्या रे, कब देने वाला है मेरा पैसा? आ, देता हूं ना, 10 दिन बोला ना। 10 दिन में? 10 दिन में देगा ना? 10 दिन के बाद सुबह 8 बजे मैं तुझे कॉल करूंगा। मेरा पैसा ब्याज के साथ तैयार रहना चाहिए, समझा? चल रे। और एक बात सुन, अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना और तू डुबाएगा तो तेरा घर बार सब बेच के ना मैं ले लूंगा। तुझे मालूम है ना, तुझे मालूम है ना, तुझे मालूम है ना मैं कैसा आदमी हूं? नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देख, तू मुझे पैसे नहीं देगा तो भी मुझे मालूम है तेरे से कैसा निकालना है। सही है। हे गंगा, आई तू? आजा आजा। टेंशन नहीं लेने का रे। देख, जिंदगी में हम अकेले आते हैं, किसी को पैदा करते हैं और अकेले ही जाते हैं, बराबर नजर दिया। हाँ, जिंदगी मतलब जन्म और मृत्यु के बीच का सिर्फ एक टाइम पास है, टाइम पास, दैट्स इट। तू नहीं समझेगा, श्वेता अपनी भड़ास निकाल कर मेरी जान ले लेगी। क्या बोल रही है? नहीं तो क्या, सुनना, मेरे लिए एक काम कर। क्या? इसको ऐसा काम दे कि जिधर उसके खाने की और रहने की जरूरत मिट जाएगी। करना इतना मेरे लिए। चल उधर चल, बात करते चल। अरे शरदे, बैठ आता हूँ, खत्म मत करना। इधर देख, तुझे तो पता है मैं जैसा भी हूं लेकिन दिल का कैसा हूं। हाँ, अब बात ऐसी है कि धंधा है प्रोफेशनल, एक दिन में हजारों में खेलेगी, हजारों में, क्या समझी? चल छोड़, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या? अरे छोड़ ना, तुझे नहीं अच्छा लगेगा, बोल जल्दी। ठीक है, बोल देता हूँ। तेरी लड़की, तुझे पता है, मुझे भी पता है, तेरी लड़की श्वेता जहां भी जाती है कांड करके आती है, एक जगह भी अच्छी नहीं छोड़ती वो, क्या समझी? चल छोड़, मैं ना उस गोकुल नगर में आता जाता रहता हूँ, वहाँ पे अच्छे लोग भी आते हैं, अच्छे मतलब पैसों वाले, लेकिन ना उनको ना जैसा माल चाहिए ना वैसा माल नहीं मिलता वहाँ पर, इसलिए वो वापस जाते हैं। भारी लोग भारी भारी जगह पे, पैसे वाले। अब तू देख,
उस भारी जगह पे अगर श्वेता गई तो? मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तू देख, मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो अगर मान गई तो एक महीने में लाखों में कमाएगी, सोच ले। देखती हूँ, सोच के बताती हूँ। सुन, 90% प्रॉब्लम्स पैसों से सॉल्व होते हैं, समझी? गई क्या? अक्का, काम हो गया तेरा? देख श्वेता, कल मैंने तेरे माँ से बोला इस काम के बारे में, लेकिन वो सुनकर चली गई। अभी क्या है, तू ऐसा काम करने में राजी है ना, तो उसका क्या है? अरे पैसों के लिए काम करते हैं ना लोग, ये भी एक काम ही है। तुझे एक बात बताता हूँ मैं, ये इधर का पूरा एरिया है ना, कमला अक्का संभालती है। उसकी एक बहन भी है, वो कर्नाटक में रहती है, अतनी, मालूम है अतनी? हाँ हाँ, उधर का वो संभालती है। अभी तू इधर की है, इसलिए तुझे कमला अक्का पहचान वाले लॉज पे नहीं रखेगी। उसका लॉज के साथ टाइप रहता है और पुलिस को भी हफ्ता जाता है, तो कोई लफड़ा नहीं होता। तू टेंशन मत लेना, सिर्फ काम करते रहे बिंदास, कमला अक्का तुझे उधर ही मिलने आएगी, समझी? हाँ। चल। Not necessary. There is no need now. Whatever. Bet. Those three girls you have sent from London, I have kept one girl. Okay. I will send you money next week. Okay. यही लड़की है क्या? क्या नाम मेरी तेरा? श्वेता। टेंशन नहीं लेने का, चाय वाय पिएगी? तेरे को बिजनेस बता देती हूँ मैं, और कामों की तरह ये भी एक काम है। तू जा, ठीक है, शाम को छोड़ दूंगी इसको। चलेगा, आज से ही काम पे लगा देती हूँ। का कैसा चल रहा है धंधा? हाँ, अरे नहीं, वो क्या है, थोड़े से कस्टमर कम ज्यादा हो तो पैसे निकाल लेना। अरे श्वेता की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अभी इतनी सारी लड़कियाँ भेजी है, वो सब कुछ सेट हुई है ना वहाँ पे। अभी क्या है कि ये श्वेता नई लड़की है, हाँ, इसको पैसों की ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो पैसे निकाल लेना। का बहुत चालू औरत है, देख, तुझे पैसे कम देती होगी। मतलब क्या, ध्यान से काम कर लेना, नहीं तो तू घाटे में जाएगी, मर जाएगी तो अच्छा होगा। इतनी मचमच कर रही है ना, और वो मर गई ना श्वेता, तो पुलिस को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुलिस भी बहुत परेशान हो गए उसके लिए।
मतलब सबका भला होगा, वो मरीना सबका भला होगा। और अगर तुझे पता चला ना तुझे कम पैसे देती है वो, तो सीधा बोल देना उसको। हाँ सीधा बोल देना। क्या हुआ रे? अरे श्वेता को जो नहीं बताती वो तुझे बताती हूँ। अपना समझ के श्वेता को तेरे पास छोड़ा था, उससे धंधे पे लगाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। कितना भरोसा किया था मैंने तुझ पे। चुप, रोना बंद कर। पैसे मिलते हैं ना? मिलते हैं कि नहीं पैसे? अरे दुनिया खुशी खुशी से काम करती है, ये तेरी लड़की अकेले काम नहीं कर रही है। बात करती है। श्वेता के कस्टमर के पीछे मुझे 500 रुपए मिलते हैं। कितने? सिर्फ 500 रुपए। और तुझे घर में कितना देती है वो? 4,000-5,000? बात करती है मुझसे। और तुझे ये इस धंधे के बारे में बोला था ना मैंने? तेरे मन में था कि नहीं? था कि नहीं बोल। क्या है ना, तुझे इस धंधे के बारे में श्वेता से बात करने में दम नहीं है। फटती है तेरी। और तेरा काम भी मैंने किया है और तू जाके मुझे बोल रही है। देख जितना पैसा मिलता है ना उतना लेने का और आराम से रहने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, समझी? चल जा अब और खाली पीली टेंशन मत लेना। जा जा। हाँ भाई, हाँ भाई निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्यों बुलाया? आजा। कुछ काम था इसलिए बुलाया। क्या काम था? कस्टमर को देख के मेरा रेट ऊपर नीचे क्यों करती है तू? ए अपनी औकात में रहने का। तेरे जैसी 1,000 लड़कियां पालती हूँ मैं यहाँ पे। तू 1,000 नहीं 10,000 पाल, लेकिन मेरे को मेरा हिस्सा दे नहीं तो मैं कुछ भी कर दूंगी। मेरे को धमकी दे रही तू? हाँ तेरे को तेरा हिस्सा चाहिए। ये जो देख रही है ना तू, ये मैंने खड़ा किया है, मेरी मर्जी। मैं रेट कम करूं या ज्यादा? तुझको सब मालूम है ना, तेरा हिस्सा मालूम है ना तेरे को, तो फिर भिखारी की तरह मेरा पैसा क्यों खाती है तू? चल निकल यहां से। कहीं की देख क्या रही है, फिर से दिखना नहीं इधर। क्या करके आई है श्वेता? कुछ नहीं। फिर ये खून के दाग कैसे कपड़ों पे? ये कुछ नहीं। कस्टमर के साथ कोई लफड़ा हुआ है क्या? ये कस्टमर के साथ कुछ क्यों होएगा? कुछ नहीं हुआ, सब सही है। अरे पर बताएगी क्या हुआ है? हर रोज कस्टमर को देख के मेरा रेट ऊपर नीचे करती थी। कस्टमर अगर अच्छा आया तो उससे पैसा ज़्यादा लेती थी, लेकिन मेरे को एक रुपया भी ज़्यादा नहीं देती थी। और सादा कस्टमर आया तो तुरंत फ़ोन करके बुलाती थी मेरे को, और तय हुए पैसों से कम पैसा देती थी मेरे को। इसलिए बोला आज होने जो होना है।
अरे पर इतनी सी वजह बहुत होती है क्या किसी को मारने के लिए? मम्मी उसने मेरे को, अरे पुलिस आएगी इधर उसका क्या? नहीं आएगा इधर, उधर किसी को मालूम ही नहीं मैं उधर जाती थी। बाहर की हूँ मैं, लोकल हूँ ना मैं इधर की, तो अरे वो खुदा अक्का मेरे को चुप चुप के मिलती थी और बाकी कस्टमर जा ले जाता था, मैं उधर ही जाती थी ना। कोई नहीं आएगा इधर, तू टेंशन मत ले, चल हट। गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती हो शहनाइयां, लहराती है पल खाती है गुनगुनाती है तन्हाइयां। हाँ क्या हुआ मेरे 2 लाख के बैच का? हाँ नहीं दे रहा, उसको बोल अगर मेरा पैसा डुबाएगा ना तो उसका घर बार बेच के पैसा वसूल करूंगा मैं। ए फोन रख, फोन रख। हाँ बोल गंगा। अरे श्वेता ने काम छोड़ा क्या? और आते आते उसने अक्का को भी मार दिया। मार दिया मतलब? अरे मार दिया मतलब जान से मार दिया। क्या बात कर रही है, मतलब अक्का गई? अक्का का मर्डर हो गया? हाँ, और ऊपर से बोल रही है कि किसने देखा नहीं उसको ये करते हुए। अरे ऐसे कैसे किसी ने नहीं देखा होगा, पुलिस क्या हो गए क्या? ढूंढते ढूंढते उधर आएंगे वो। अगर वो अंदर गई तो तेरा भी नाम लेगी। ए गंगा तूने भी क्या कम पैसा खाया नहीं है श्वेता के दम पे? एक बात सुन, अगर श्वेता ने मेरा नाम लिया ना तो मैं अंदर जाऊंगा लेकिन तुझे भी लेके जाऊंगा, समझी? मैंने क्या किया है? ए ज्यादा शांति मत कर। एक बात ध्यान से सुन मेरी, मेरे पास कोई है जो कमला अक्का के मरने का हमें बहुत सारा पैसा दे सकता है, उसमें से आधा पैसा मैं तुझे दूंगा लेकिन श्वेता को चुप करने का काम तेरा। कैसा पैसा? क्या बात कर रहा है? अरे उतना टाइम नहीं है मेरे पास। तू एक बात ध्यान में रख, अगर पुलिस आई तो श्वेता को ले जाने दे, मैं तुझे पैसा दूंगा, पूरी जिंदगी आराम से रह सकती है तू। और अगर पुलिस नहीं आई और श्वेता ने कुछ उंगली डालने की कोशिश की ना तो उसका ऊपर जाना तय है। फोन रख अभी, 2-3 दिन में तुझे पैसा मिल सकता है। सपना का। अरे मेरे हीरो, फिर खबर सुन के कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ। तूने तो कमाल कर दिया, इतनी लड़कियां भेजी आज तक, एक भी लड़की ने ऐसा काम नहीं किया जो तेरी लड़की ने किया। अरे वो लड़की मेरी लड़की वगैरह कुछ नहीं थी। हाँ? मेरी दोस्त थी वो, लेकिन काम से गई केस थी। अभी तूने इतनी लड़कियां भेजने को बोला, मैंने एक भी नहीं भेजी। ये पहली लड़की है जिसने तेरा काम किया है, मगर मैंने कुछ नहीं बोला था उसे, लेकिन मुझे मालूम था कि वो सनकी है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। अरे मेरी माँ, तू शांत हो जा। चल छोड़, तेरा सपना पूरा हुआ ना, अब गद्दी पे राज करना उसके। सपना तो पूरा हुआ रे, पर बुरा भी लग रहा है। बहन थी ना मेरी, हम दोनों ने मिलके खड़ा किया था इसको, पर को बहुत चर्बी चढ़ी थी आगे आगे करने की, 10 साल में एक बार मुंह भी नहीं दिखाया। अरे छोड़ ना तेरा पुरान, तू पैसे कैसे देने वाली है बोल, कैश या चेक? गूगल पे है ना। हाँ अरे अक्का तू तो डायरेक्ट बड़ी हो गई रे, ऑनलाइन बिनलाइन है, इंटरनेट बिंटरनेट है, अपना सब कुछ लीगल रहता है। लेकिन तू कैश ही दे। फोन नहीं आएगा, अभी फोन लगा।
वो नहीं आएगा, तू पागल होते जा रही है। मैं हो गई हूँ मम्मी पागल, पागल ही हो गई हूँ मैं। तुम दोनों ने मिलके मेरी वाट जो लगाई है, तेरे पेट से जन्म लिया ना तभी नसीब फूट गया मेरा। श्वेता सुन जरा, फोन लगा मम्मी, तू फोन लगा, अभी फोन लगा, वो नहीं आएगा। फोन दे मम्मा, मम्मी फोन देगी तू? फोन नहीं देगी? ठीक है, नहीं देगी ना फोन, मैं भी देखती। अब देख देख कैसे लाल टपका के लपका के आता है मेरे पास। चल पैसे रेडी रख, आता हूं मैं। हा? हाँ तुम दोनों ने मिलके मेरा ये हाल बनाया ना। ए, तू थोड़ा चुप बैठेगी? हम्म, और कितना मारा इसको? माँ है तेरी ये? अरे तो माँ है तो माँ जैसा रहना चाहिए ना, बेटे को धंधे पे लगाता है कोई। जो हो गया सो हो गया, तू बैठ यहाँ पे। नहीं बैठना है मेरे को, नहीं बैठना है मेरे को। चल चल अपन शादी करते हैं। देख तेरे बीवी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम अलग से रहेंगे। चलना अभी क्या, अभी शादी करते हैं। नहीं आता है मेरे को यार जी, नहीं करना है मेरे को। तुझे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही है? ए, तू क्या बात कर रही है? तेरा दिमाग ठिकाने पे है? ए अरविंद, मेरा दिमाग ना अभी भी ठिकाने पे ही है। मेरा दिमाग तब ठिकाने पे नहीं होगा, मैं तेरे घर पे जाके तेरे बीवी के सामने बैठ के तेरे सारे कांड बताऊंगी, तेरे मेरे रिश्ते के बारे में बताऊंगी, उसके सामने खड़े रह के तेरे से शादी करूंगी, फिर समझ में आएगा मेरा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं है। चल ना, चल चल चलते तेरे बेबी के पास। चल ना बे, हाँ चल चल, चल। अरे इस लड़की ने ना बहुत तकलीफ दी है आज तक मुझे। मम्मी खाजे हाइया, दुबी कराजे हाइया, तिरान भोजे हाइया, चार चौकटी पाचीला पांडव। इकलम खाजे हाइया, दुबी कराजे हाइया, तिरान भोजे हाइया, चार चौकटी पाचीला पांडव। जिंदगी खेल है राजा, खेल है राजा, खेल है राजा। भोजे चार चौकटी पाचीला पांडव। राजे तिरान भोजे चार चौकटी पाचीला पांडव। Yeah, 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 yeah.